प्रथम तहलका न्यूज और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जो है वो डॉक्टर अजय चौटाला पंचकुला पहुंचे हैं और सेक्टर एक स्थित PWD रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अजय चौटाला वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अजय चौटाला जो है वो पंचकुला पहुंचे हैं और आपको बता दें कि सेक्टर एक स्थित PWD रेस्ट हाउस में उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता की। कार्यकारिणी की बैठक में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में जो है वो संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान चलाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष, शहरी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी गणों की मीटिंग दो अलग अलग चरणों में हुई। पहले चरण में जिला अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष और हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको मीटिंग हुई और दूसरे चरण में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के साथ मीटिंग हुई। संगठन को हम कैसे ज़्यादा प्रभावी बना सकें इसको लेकर के, और इसके साथ साथ 5 अगस्त को हमारी स्टूडेंट विंग जो इंसो है उसका स्थापना दिवस भी होता है। उस स्थापना दिवस को कहाँ सेलिब्रेट किया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए तय हुआ है कि रोहतक में 5 अगस्त को इंसो का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती भी आ रही है। चौधरी देवीलाल जी की जयंती किस तरीके से प्रदेश में मनाएं या एक कॉमन जगह मनाएं, इस बारे में भी साथियों से राय मशवरा किया गया है। दो जिलों में जहां चौधरी देवीलाल के स्टैचूज नहीं हैं, नूह में और दादरी में, वहां उनके आदमकद बड़े स्टैचूज लगाने का निर्णय भी हुआ है। इसके अलावा और दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। निकट भविष्य में नगर पालिकाओं के और नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं 46 में, पंचायतों के चुनाव भी निकट भविष्य में हो रहे हैं, उनको लेकर के भी विचार विमर्श हुआ, साथियों से भी राय ली गई। और इसके अलावा पार्टी की मेंबरशिप का अभियान 1 महीने 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक चलाया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो उपेश टाला जी ने ये भी कहा है कि JJP पार्टी और BJP पार्टी के खिलाफ तीसरा मोर्चा जो है खड़ा करेंगे, उसको मजबूत किया जाएगा, क्या मानते हैं? देखो, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला बहुत बड़ी शख्सियत हैं, राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, पर आज हालात जो हैं उस हालात में मुझे हरियाणा प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा दिखाई देता नहीं है। किस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है, शख्सियत हैं, राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, पर आज हालात जो हैं उस हालात में मुझे हरियाणा प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा दिखाई देता नहीं है। किस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है और चौटाला साहब किस तरह के प्रयास करते हैं वो उनके प्रयास पर निर्भर करेगा। थोड़ा सा लंबे समय से किसान भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर? आप भी निरंतर देख रहे हैं, मीडिया कवर भी करता है रोजाना, मैं भी देखता हूँ, सड़क पर बैठ कर के किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। कोई भी समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। केंद्र की सरकार के साथ पहले भी 11 चरणों की बातचीत हुई,
केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया और मैं भी कह रहा हूं कि कानून कभी रद्द नहीं हुआ करते। मुझे कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो मैं उसके लिए विरोध जाहिर कर सकता हूं और उसमें अमेंडमेंट करवा सकता हूं। अमेंडमेंट सरकार करने के लिए तैयार है। किसान खुल करके जा कर के अपना पक्ष रखें, बात करें, उसमें जो अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं वो करवाएं, इसके लिए सरकार के लोग भी तैयार हैं। परंतु बाजिद होकर के सड़क पर बैठे रहने से कोई समस्या का हल थोड़ा ही होता है। और फिर अप्रजातांत्रिक तरीके से किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, किसी के प्रोग्राम में खलल डाल दी, किसी के दुख सुख के प्रोग्रामों में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये तो कोई विरोधता का तरीका नहीं है।